जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, सही से अपलोड नहीं हो सकी हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि करूँगी कि आपको मैं इस वीडियो में उस वो चीज़ें जो मैंने उसमें एडजस्ट की थी सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और अगर फिर भी अगर कोई आप कुछ को कुछ समझ ना आए तो काइंडली मुझे कमेंट में लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। कि हमने उसमें यहाँ तक स्टेप किया था कि फ़ाइनल वॉल हमने एडजस्ट की थी, तो उसके बाद ये फ्रेमिंग करने के बाद ये फ़ाइनल वॉल हमने स्टैंड कर दी थी। उसके बाद मैंने रूफ़ की एडजस्टिंग की थी, रूफ़ को फिट किया था। मैंने दिखाई थी कि कैसे कॉमन पिंस लगा के मैंने इनको यहाँ पर ग्लू के हेल्प से, जर्मन ग्लू के हेल्प से मैंने इसको फिक्स किया था रूफ़ को। फिर मैंने इसकी साइज़ की वुड की कटिंग करके, फिर स्टिक्स की कटिंग करके मैंने इसको वहाँ पर प्लेस कर दिया था। सेम लाइक बैक पे भी किया था और फ्रंट पे ये पार्ट छोड़ा है, मैं आपको इसकी डिटेल बाद में बताती हूँ। उसके बाद मैंने नीचे वो जो मैंने एक गत्ता फिक्स किया था इसका स्टैंड बनाने के लिए, और 1 इंच और 1.5 इंच के मैंने ये वाली पोर्शंस छोड़ दिए थे। ये वाला हिस्सा मैंने इस तरह 1-1.5 इंच का मैंने काट के इसके साथ एडजस्ट किया है और उसको भी कलर कर दिया है रूफ़ की ही कलर में। आपके बताया था कि आप अपनी मर्ज़ी से कलर सिलेक्ट करें, जो कलर आपको चाहिए, आपके इंटीरियर को जो कंप्लीमेंट करता हो, या फिर आपके पास फ्लावर्स हों उस तरह के जो कंट्रास्टिंग में बन जाएं। तो मैंने फिर इस कलर को सिलेक्ट किया और इसकी सारी फेंसिंग, अभी इसकी फेंसिंग रहती है वो मैं आपको उसका आइडिया देती हूँ।